हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। हम लोग आज के वीडियो में मैथ पेडागोजी का सेक्शन देखेंगे। क्वेश्चन दिसंबर 2019 का पेपर है ये, और ये जो क्वेश्चन है वो पेपर वन से मैंने लिए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि कौन सा जो कथन है वो हमारा सही नहीं है। पहला है, सभी भाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। भाज्य संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर। ठीक है, तो बोला गया है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, यानी ऑड संख्याएं होती हैं। बी है, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं, अपरिमित यानी इनफाइनाइट हैं। सी है, अभाज्य संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं। या डी है, एक अंक वाली केवल चार अभाज्य संख्याएँ हैं, यानी सिर्फ चार अभाज्य संख्याएँ हैं जिनकी एक अंक है, जिनमें एक अंक आते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आपको बताना कथन सही नहीं है। बहुत इजी है, अगर आपने प्राइम नंबर्स पढ़े होंगे आपको पता होगा प्राइम नंबर क्या है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो गलत है, सही नहीं है कि अभाज्य संख्या सिर्फ विषम होती है। ऐसा नहीं है, दो नंबर जो है वो सम है और वो भी अभाज्य आता है, क्योंकि वो भी सिर्फ दो और वन से ही जो है वो डिवाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह समझने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त होगी। यानी आपको बच्चे को समझाना है कि 1/4 जो होता है वो 1/3 से छोटा होता है। अब वो तो सोचेगा कि 4 लिखा है वो बड़ा होगा और 3 लिखा छोटा है, तो आपको ये चीज़ समझानी है उसे कि अपॉन में है, कैसे 1/4 जो है वो 1/3 से छोटा है। ऑप्शन ए है, लघुत्तम समावर्तक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। बी है, कागज़ की पत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। सी है, डाइनस ब्लॉक का प्रयोग कर सकते हैं। या डी है, संख्या चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो संख्या चार्ट तो हम लोग संख्या के बारे में, जैसे इवन है, ऑड है, ये सारे जो संख्या की डिटेल है वो बताने के लिए करते हैं। ठीक है, इसमें बोला है आपको बताना 1/4 1/3 से छोटा है, तो इसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए, कागज़ की पत्तियों का हम प्रयोग कर सकते हैं, पट्टियाँ होंगे यहाँ पे, कागज़ की पट्टियों का प्रयोग कर सकते हैं। हम ऐसे बता सकते हैं कि एक ये एक कागज़ है, हम दो कागज़ की पट्टियाँ ले सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि एक को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और एक को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो आप इसे दिखा सकते हैं कि ये जो है देखिए बड़ा है, हैं, और ये काफ़ी छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो गया, ये क्या है, ये छोटा है। तो ऐसे कागज़ की पट्टियों का प्रयोग करके हम उनको बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना, यानी जो लेसन प्लान बनाते हो आप, का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। यानी लेसन प्लान बनाते समय कौन सी बात जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है हमारा, पाठ्यपुस्तक के अनुसार का अनुसरण करना, या पाठ्यपुस्तक में जैसे दिया वैसे आप उसे सिखाएं। सेकंड है, गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। या सी, विद्यार्थियों के अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। या डी, क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जब आप विद्यार्थियों को कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें विद्यार्थियों को आप इन्वॉल्व करो। ठीक है, तो हमारा सी जो है वो सही होगा कि विद्यार्थियों के को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक या आप कह सकते हो रचनावादी गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है। यानी इसमें से कौन सा आप नहीं मानोगे कि ये जो क्लास है वो एक रचनावादी गणितीय कक्षा है, यानी वहाँ पे ऐसा उस जो भी संरचनात्मक या रचनावादी जो सिद्धांत है उसको फॉलो किया जा रहा है। तो ये बात आपको बतानी है कि लक्षण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है, गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। बी, अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। या सी, प्राथमिक स्तर का आकलन के लिए विषय परख प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। विषय परख यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की आप परीक्षा रख रहे हो बच्चों का आकलन करने के लिए। या डी, गणित और दूसरे पाठ्योत्तर क्षेत्रों के बीच के संबंध को उजागर किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बोला था कि कौन सा जो है वो एक रचनावादी गणितीय कक्षा का लक्षण नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, जैसे कि गणित के अधिगम में भाषा और संवादों
की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। ठीक है, वो बिल्कुल सही है कि बच्चों को आप देख रहे हो कि वो गणित की भाषा जो है वो उसे सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। इसमें जो हमारा सी है वो गलत होगा कि प्राथमिक स्तर का आकलन के लिए आप क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट रखते हो कि बच्चे जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट से आप उनका आकलन करते हो। तो यहाँ पे क्या आकलन हो रहा है, ये कोई आकलन करना जो है वो हमारा वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप से, ये किसी रचनावादी गणितीय कक्षा का लक्षण नहीं है। उसमें देखिए बाकी सब में क्या है कि आप बच्चों में कुछ चीज़ें सिखा रहे हो उन्हें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। ठीक है, कौन सा मतलब कथन है जिसमें आपको लग रहा है कि रचनावादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत कर रहा है। पहला है गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है, गणितज्ञ से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए, गणित पूर्णतः विषयम परक है यानी कि पूर्णतः ऑब्जेक्टिव है, या मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। मानस दर्शन यानी कि बच्चे के अंदर क्या है त्रविम सोच होनी चाहिए त्रविम सोच यानी स्पेशल थिंकिंग, मैंने आपको कल बताया भी था, विमीय सोच जो है वो गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि कौन सी बात जो है वो रचनावादी दृष्टिकोण को बता रही है। ठीक है, तो यही जो है हमारा ऑप्शन सही होगा कि गणित में जो मानस दर्शन है या त्रिविम सोच जो है वो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिक्स्थ, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है, यानी आप कौन सा क्रियाकलाप इनमें से कौन सी एक्टिविटी करोगे तो जिससे बच्चे के अंदर जो है वो त्रिविम सोच का विकास होगा। ए है बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, बी है मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारित करना, सी है चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, या डी है संख्याओं को संख्य रेखा का निरूपित करना। तो त्रिविम सोच में क्या होता है, त्रिविम सोच में हम बच्चों को देखो आकृति जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं उनको बच्चे अच्छे से समझ पाए, है ना, जो आपको नज़र आ रहा है उससे परे की सोच जो है उसे विकसित कर सके। तो इसमें जो पहला ऑप्शन वो सही है कि बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्र करना, आप ऊपर हिस्से को बनाएंगे फिर उसमें बताएंगे कि ये कौन सा शेप है, कैसे यहाँ पे पूरी सर्कल आपको दिखेगा, फिर सर्कल से रिलेटेड सारी चीज़ें जो अवधारणाएं हैं उन्हें आप समझाएंगे, तो वो सब किसके अंदर आता है त्रिविम सोच के अंदर आता है। ठीक है, यानी जो भी ज्योमेट्री होती है जो आकृतियों से हम रिलेटेड चीज़ें सिखाते हैं वो किस में आता है त्रिविम संरचना में आता है। तो बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना यानी आप वहाँ पर क्या उसको ज्योमेट्री समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हमारा कि गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है आपको बताना है। तो पहला क्या बताया कि गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, यानी कि बच्चे जो है वो गणित में अच्छा प्रदर्शन करें, ये उनके अंदर पहले से ही होता है, इननेट होता है यानी बर्थ से ही उन्हें मिलता है, या भी अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचार का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर डालता है, सी विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है, ठीक है, और डी विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या चीज़ जो है वो गणित अधिगम के संबंध में सही नहीं है, यानी गणित बच्चा सीख रहा है तो क्या चीज़ जो है जो वो सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा हमारा ए कि गणित जो है उसका प्रदर्शन बच्चे के अंदर स्वाभाविक होता है, कि बच्चा जन्म से ही जो बच्चा मैथ में अच्छा होगा वो जन्म से ही लेकर आता है अपने अंदर इस गुण को कि ये मैथ में अच्छा करेगा और जो नहीं करेगा ऐसा नहीं। अगर आप उसको कोई वीक बच्चा भी है अगर उसको आप अच्छा माहौल दें, अध्यापक अच्छा मिले जो कि अच्छी तरह से चीज़ों को सिखाए, ठीक है, उसको एक अच्छा सामाजिक पृष्ठभूमि मिले तो वो भी क्या है अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। तो ये बात जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एट्थ, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना कि हिंदू अरबी गणना प्रणाली जो होती है अरेबिक उसमें क्या बात जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन ए है एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है, बी है ये योगात्मक प्रकृति का है, सी है इसमें आधार दो की प्रणाली का पालन किया जाता है, और डी है यह गुणात्मक प्रकृति
का है। तो सिंपल सा है कि जो हिंदू अरबी गणना प्रणाली होती है उसका आंसर हमारा ये सही होगा कि ये बात सही नहीं है कि इसमें आधार दो की प्रणाली का पालन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपको लगेगा कि बच्चा जो है या ऐसा दिखाया जा रहा है जिसमें गणितीय तर्क की बात की जा रही है। ठीक है, मैथमेटिकल लॉजिक की बात की जा रही है। ऑप्शन ए है गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा को देने की क्षमता, यानी कोई बच्चा परिभाषा बता पा रहा है वो तो कोई तर्क नहीं है, वो तो मतलब उसने याद कर लिया और बता दिया है। बी है गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगतता देने की क्षमता। सी है परिकलन में निपुणता की क्षमता। या डी है विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। तो यहाँ परिभाषा याद की जा रही है, यहाँ स्मरण सूत्रों को याद किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं है। जो इसका ऑप्शन हमारा बी है वो सही है, क्योंकि इसमें लिखा भी है, देखिए सीधे सीधे, कि गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगतता देने की क्षमता, यानी गणितीय जो भी प्रक्रिया है वो तर्क, उनके बारे में बताना, तर्क दे के कि ये चीज़ जो है वो ऐसी है तो क्यों है। ठीक है, तो ये देने की क्षमता है, यानी इसमें क्या है गणितीय तर्कता की आपको सूचक दिख रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक गणित के संप्रत्ययों को सिखाते हुए खोजपरक उपागम का उपयोग करती है। ठीक है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमता का उपयोग करती है और उनको चर्चा में शामिल करती है, यानी एक तो पहली बात वो गणित का एक संप्रत्यय सिखा रही है और उसमें क्या खोजपरक उपागम यूज़ कर रही है। ठीक है, दूसरी बात है विद्यार्थी जो है उनकी क्षमताओं का उपयोग कर रही है, उनको चर्चा में शामिल भी कर रही है, वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है, तो ये सब जो वो कर रही है वो किस लिए कर रही है। ऑप्शन ए है हमारा गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। बी है विद्यार्थी में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए। सी है एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए। या डी है गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एज अ टीचर आप क्या कर रहे हो, बच्चों के एक तो खोजपरक उपागम का इस्तेमाल कर रहे हो, यानी बच्चे जो है छानबीन करके चीज़ों को सीखे, ऐसा अप्रोच आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, दूसरी बात है उनको अपनी चर्चा में भी ऐड कर रहे हो, उनकी क्षमताओं का उपयोग भी, तो ये सारी चीज़ें आप क्यों कर रहे हो, ताकि एक निश्चित प्रकार की सोच और तार्किकता, यानी तार्किक सोच जो है बच्चे में डेवलप हो सके, वो खुद से करना सीख सके, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो सके। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही होगा। तो ये थे टोटल 10 क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आए हों। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, देखिए आपके अगर थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं अच्छे से, ठीक है, तो आप कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, आपको अगर जो मेन पॉइंट्स आपको पता है कि आपको क्लास में कैसे करना है, चीज़ों को सिखाना है, तो आप 15 में से 10 क्वेश्चन तो ईजिली सही कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छा नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से चीज़ों को ध्यान दिया करिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।